राधे श्याम भाव सर, तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं सिर्फ और सिर्फ ड्राई क्लीनिंग के लिए साड़ियाँ लेता हूँ, और जो साड़ियाँ ड्राई क्लीनिंग के लिए लेता हूँ वही साड़ियाँ मैं रोल प्रेस या रोल पॉलिश करता हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए साड़ियाँ रोल प्रेस के लिए ली है, तो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो साड़ी है ये राजस्थानी बांधनी वर्ग की साड़ी है, प्योर शिफॉन का कपड़ा है, और जब तक इसे रोल प्रेस नहीं होगी तब तक इसको फॉल या इसका जो ब्लाउज वगैरह सिलाना होता है वो विदाउट रोल प्रेस के नहीं होता है। और इसका ये जो कलर है पिंक कलर है डार्क, तो ये कलर भी बहुत ज़्यादा लूज है। अगर हम इसको स्टार्च करेंगे तो फिर इसको कलर यहाँ पे पूरा कलर लग जाएगा, तो हम इसको रोल प्रेस करने वाले हैं। तो ऐसी साड़ी रोल प्रेस के मैं 100 रुपीज़ चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैं रेगुलरली साड़ियाँ रोल प्रेस के लिए नहीं लेता हूँ। जो साड़ियाँ मेरे पास ड्राई क्लीनिंग के लिए आएंगी वही मैं रोल प्रेस करूँगा। उसके बाद में ये जो साड़ी है ये जॉर्जेट मटेरियल में है, लेकिन ये इसकी जो हाइट होती है वो बहुत कम हो गई है, शायद इसको वॉश करने के वजह से हो गया होगा, या ऐसे ही इसकी हाइट कम होगी। तो ये जॉर्जेट का मटेरियल है, हमें इसे रोल प्रेस करके इसकी फुल साइज में लाना है। ये भी साड़ी सेम जॉर्जेट की है, लेकिन ये जॉर्जेट का जो मटेरियल होता है कई लोगों का ऐसा स्मूथ और जो बहुत नरम होता है मटेरियल नहीं चाहिए। कुछ लोगों को साड़ियाँ जॉर्जेट की स्टिप करानी होती है, एकदम स्टार्च करके पेपर के जैसी क्रिस्पी, तो भी लोग रोल प्रेस के लिए देते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से इन साड़ियों को रोल प्रेस करूंगा, और उसके बाद में रोल प्रेस करने के बाद में आफ्टर फिनिशिंग ये साड़ियाँ किस तरह से दिखेंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप जो मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ इसको घर पे ही आप बना सकते हैं, और साड़ियाँ रोल प्रेस या रोल पॉलिश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ साड़ियाँ ऐसी होती है जो हाइट में भी कम होती है। अभी ये साड़ी है, ये अभी हाइट में भी कम है, देखिए ये साड़ी यहाँ तक है, वो साड़ी वहाँ तक है। ये साड़ी हाइट में भी कम है और ये लेंथ में भी कम है, ये पूरी 15 फीट भी नहीं है। तो हम इसको अभी ये रोल प्रेस करके स्ट्रेस करेंगे हम तीनों चारों बाजू में, और इसकी जो इसकी रियल हाइट और लेंथ होगी उस लेंथ में हम इसको लाएंगे अभी। Thank you.
हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी साड़ियाँ तैयार हो गई है। इस साड़ी की लेंथ थी वो काफ़ी कम थी, वाइडनेस भी कम था। अभी दोनों साड़ियाँ सिमिलर हो गई हैं। तो ये होता है रोल प्रेस के स्टैंड की वजह से। और उसके बाद में ये जो साड़ी थी ये बांधनी वर्क की साड़ी थी, ये विदाउट रोल प्रेस की ये साड़ी कस्टमर पहन नहीं सकते। उसके बाद में उसको जो ब्लाउजेस सिलाने होते हैं या उसको पिको फॉल वो जो कराना होता है वो भी रोल प्रेस करने के सिवा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, और ये भी साड़ी अभी स्टिफ हो गई है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।